Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today I am going to deliver you a second lecture from your new Oxford मॉडर्न इंग्लिश बुक. जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि आपके फर्स्ट लेक्चर में आपने स्टोरी टेलिंग जो है उसको सुना था, तो आज हम उसी स्टोरी से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे. ओके बेटा, जैसे आप जानते हैं आपका टाइटल है अनवर्स ड्रीम. अनवर्स ड्रीम यानी अनवर का ख्वाब. ठीक है, आज हम इसके पढ़ेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स. तो बेटा जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं वो हमेशा हम थ्री पेयर टेक्निक से यानी कि थ्री टाइम्स हर वर्ड को पढ़ते हैं. तो बेटा आपने मेरे साथ साथ इसको लाजमी पढ़ना है. जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गार्डन 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 गार्डन. क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग, वेरी गुड. आपने इसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग. नॉटिंग नॉटिंग नॉटिंग. थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग. ड्रीमिंग ड्रीमिंग ड्रीमिंग. प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट. चॉपिंग चॉपिंग चॉपिंग. बाइटिंग बाइटिंग बाइटिंग. होपफुली आप सब मेरे साथ पढ़ रहे होंगे. आपने कोशिश करनी है बेटा साथ साथ इसको पढ़ते जाना है. शाउट्स शाउट्स शाउट्स. साउंड्स के ऊपर आपने फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है इनको. वेट्स वेट्स वेट्स. डांसिंग डांसिंग डांसिंग. रनिंग रनिंग रनिंग. गुड, बहुत से वर्ड्स होंगे आप बेटा पढ़ सकते होंगे. ठीक है, सिटिंग सिटिंग सिटिंग. फॉल्स ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. अब हम रीडिंग करने वाले हैं. टाइटल को आपने लाजमी पढ़ना है, अनवर्स ड्रीम. अनवर्स ड्रीम. और सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं वर्ड्स टू नो. ठीक है, इसमें आपकी स्टोरी से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और साथ ही उनके मीनिंग्स भी होते हैं. इनको आपने पढ़ना है लाजमी और समझना भी है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका क्या है, बाइटिंग. बाइटिंग मीन्स यूजिंग टीथ टू कट इंटू समथिंग, यानी दांतों का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को काटना. काउंटिंग काउंटिंग मीन्स सेइंग द नंबर्स वन आफ्टर द अदर टू गेट अ टोटल, यानी कोई भी टोटल अमाउंट लेने के लिए. या फॉर एग्जाम्पल जैसे आप काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर, ये आपकी काउंटिंग कहलाती है. ठीक है, नॉडिंग. नेक्स्ट वर्ड है नॉडिंग. लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड्स वेन टायर्ड, जब आप थक जाते हैं और आपका सर यानी कि आगे की तरफ झुक जाता है. एंड फॉलिंग अस्लीप, और आप सो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉडिंग बोलते हैं. ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेकिन रीडिंग में आपने ध्यान रखना है कि आपने एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना है. ठीक है, और उसके अलावा आपने जैसे आपका सेंटेंस जहाँ खत्म होता है आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, वहाँ पर आप पॉजेज लेंगे, छोटा छोटा सा गैप लेंगे. ठीक है, जैसे आप कहेंगे इट इज़ अ हॉट डे, इट इज़ अ हॉट डे. अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर इज इन हिज गार्डन. He is sitting under a banana tree. He is sitting under a banana tree. It has big leaves. It has big leaves. Anwar is counting ants. Anwar is counting ants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are climbing. They are climbing a dead tree. Anwar is nodding his head. Anwar is nodding his head. अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना बेटा नोडिंग के बारे में, जब आपको नींद आती है आप आगे की तरफ सर को झुकाते हैं और सो जाते हैं. अब अनवर भी ऐसे ही कर रहा है. He is closing his eyes.
आईज. इज अनवर थिंकिंग? बेटा क्वेश्चन है, आपने इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है. इज अनवर थिंकिंग? नो ही इज नॉट. इज ही काउंटिंग एंट्स? नो ही इज नॉट. व्हाट इज ही डूइंग? इज ही स्लीपिंग? यस ही इज. ही इज. आवाज निकालेंगे कि वो सो रहा है. सून अनवर इज ड्रीमिंग. सून अनवर इज ड्रीमिंग. ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट. इट इज फॉर हिज मदर. अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री. अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री. ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच. He is chopping. He is chopping. Chopping it with an axe. अब आप बताएंगे उसके साउंड जब उसने इसको चॉप किया तो क्या हुआ. Creak, crack, crick. Anwar falls down. Anwar falls down. Ouch, ouch, ouch. Anwar shouts. Anwar wakes up. Anwar wakes up. The ants are biting Anwar. The ants are biting Anwar. Nip, nip, nip. Ow, ow, ow. Now he is dancing and shouting ow, ow, ow and running. Okay, बेटा अब आपने जिस तरह से रीडिंग सुनी है अब इसी तरह से बेटा आपने इसको बैठ के खुद से प्रैक्टिस करना है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद रीडिंग को पढ़ना है, ठीक है. और इसको एक्सप्रेशन के साथ आपने पढ़ना है और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि पॉज लेकर पढ़ना है, तो इसकी लाजमी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है. आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, फ्लो में होनी चाहिए, ठीक है बेटा. इसके आपने प्रैक्टिस कर लेनी है. आपका आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. अपना खूब ख्याल रखें. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.